हेलो सब्सक्राइबर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज सेल्स साइकिल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन नीट एग्जामिनेशंस इट यूजली आस्क इन द नीट एग्जामिनेशन एंड विदाउट द सेल्स साइकिल इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द सेल। तो टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। इस टॉपिक को हम देखेंगे सेल साइकिल। एज सेल साइकिल का मतलब, एज वी टेक बर्थ एंड वंस वी टेक बर्थ वी कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल एंड वंस ए डे वी हैव टू डाई। इट्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ। दोज हु हैव टेकन बर्थ दे हैव टू डाई। सेम प्रोसेस जब लाइफ साइकिल जो जीवनी होती है, हम देखते हैं ना कि एक व्यक्ति जिसने जन्म इतने सन में लिया और इतने सन में उसकी डेथ हो गई, तो सेम प्रोसेस अपनी बॉडी के अंदर होती है कि सेल जो होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का फोर्थ पॉइंट याद करें, रुडोल्फ वर्च्यू स्टेटेड सेल होमिनिस सेलुलर सेल्यूली, जिसमें बताया सेल इज ओरिजिनेटेड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो अब हम इस प्रोसेस को समझेंगे सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? द टाइम पीरियड इन विच सेल कंप्लीट्स इट्स लाइफ इज नोन एज सेल साइकिल। ओके, तो सेल साइकिल को देखिए मैं यहां बताता हूं कि अगर हम देखें कि जैसे ह्यूमन की है, ह्यूमन की सेल साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। ह्यूमन सेल साइकिल कंप्लीट्स इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में ह्यूमन की सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और इसी तरीके से हम देखें ईस्ट सेल साइकिल कंप्लीट्स इन 90 मिनट्स। 90 मिनट में जो है इसकी सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक, तो हम देखते हैं सेल साइकिल का डायग्राम। देखें, ये रही सेल। अब हम इसको हम डिवाइड करेंगे, वी यूजली डिवाइड इनटू इंटरफेज एंड एम फेज। तो देखें, दिस इज इंटरफेज, आई एन टी ई आर इंटर पी ए एस एंड ई। ओके, दिस इज इंटरफेस। तो इंटरफेस को हमने यहां पर दिखा दिया, ये इंटरफेस हो गया। और इसके बाद ये जो है यहां से शुरू हो जाएगा एम फेस। एम फेस देखें, और यहां शुरू हो जाएगा जी जीरो फेस। और ये है एम फेस, एम फेज, पी एच ए। तो एम फेज जो होता है, इसमें हम देखेंगे कि यहां पर कुछ डिवीजन होते हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो देखें यहां आएगा प्रोफेज, यहां मेटाफेज, यहां एनाफेज, यहां टीलोफेज और ये साइटोकाइनेसिस। ठीक, ये साइटोकाइनेसिस आ गया, ये जी जीरो फेज हो गया। इसके बाद यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा जी वन फेज। इसके बाद एस फेज, और ये हो जाएगा G2 फेज। ठीक, तो ये हो गई सेल साइकिल। तो अब हम देखते हैं इंटरफेज जो है उसे हमने डिवाइड किया कितने फेज में। देखें इंटरफेज, इंटरफेज इज डिवाइडेड इन टू G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक, ये तो गया इंटरफेस। इंटरफेस में ये स्टेप आ गए, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। इसके बाद आ गया M फेज। M फेज को कहते हैं माइटोटिक फेज। ओके, तो माइटोटिक फेज जो है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, कैरियोकाइनेसिस,
नेसिस, और लास्ट होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ओके, तो कैरियोकाइनेसिस जो है उसके अंदर देखें ये होता है, कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब है सेल का डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस में देखिए इंक्लूड होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसके अंदर आ गया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये तो होते हैं कैरियोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोसेस हो रही है। कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब ब्रेकडाउन, न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन हो रहा है। कैरियोकाइनेसिस इट इंक्लूड प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस में सेल यहां डिवाइड हो जाएगी, साइटो मतलब सेल का साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब ब्रेकडाउन, और यहां पर एक सेल डिवाइड होके दो सेल में बदल जाएगी, साइटोकाइनेसिस। ये देखें यहां पर सेल बन चुकी है ये। तो अब जैसे ही सेल न्यूली बॉर्न यहां पर बनके तैयार होती है तो लास्ट बनता है, देखें यहां पर एक फेज आ गया, देखें ये तो हो गया इंटरफेज वन, नंबर टू एम फेज। इसके बाद हम एक फेज और देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं जी जीरो फेज, इसे हम कहते हैं क्वीसेंट स्टेज। जी जीरो में मेटाबॉलिक ग्रोथ नहीं होती है, जी जीरो फेज इसे कहते हैं क्वीसेंट स्टेज, और इसमें मेटाबॉलिक ग्रोथ नहीं होती है। न्यूली बॉर्न सेल है, नो मेटाबॉलिक ग्रोथ, नो मेटाबॉलिक ग्रोथ, नो मेटाबॉलिक ग्रोथ। तो अब देखें यहां क्या होता है, जी जीरो में न्यूली बॉर्न सेल है जो कि न्यूली बॉर्न है, अभी इसके अंदर मेटाबॉलिक ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जी जीरो फेज। तो यहां ग्रोथ अभी स्टार्ट नहीं हुई है, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जी जीरो फेज में कोई ग्रोथ नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जी जीरो फेज और क्वीसेंट स्टेज। जीवन फेज, देखें जीवन फेज जो है यहां पर क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल बिकम मेटाबॉलिकली एक्टिव, तो हम यहां लिख देंगे मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल बिकम मेटाबॉलिकली एक्टिव। ओके, जीवन फेज में ही हो गया। एस फेज जो होता है यहां होता है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में कि डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, एस फेज, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन। और इसके बाद जी टू फेज जो है यहां पर होता है प्रोटीन सिंथेसिस, यहां क्या होगा प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। तो अभी हमने सबके फंक्शन देख लिए, यहां सेल न्यूली बॉर्न है, इसने जन्म लिया है, जी जीरो में मेटाबॉलिक ग्रोथ ना के बराबर है, न्यूली बॉर्न सेल है अभी, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट नहीं हुआ। जीवन फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हो गई, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, जी टू फेज में प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। अब जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गया तो ये इंटरफेज कंप्लीट हो गई, और अब क्या स्टार्ट हो जाएगा, एम फेज, माइटोसिस फेज। तो इसमें हम देख रहे हैं इसके दो डिवीजन हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में देखें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये तो हो गए कैरियोकाइनेसिस, और ये हो गया साइटोकाइनेसिस। सेल डिवाइड हुई, दो न्यूली बॉर्न सेल बन गई, फिर दोबारा से लास्ट में देख रहे हैं जी जीरो फेज आ गया। तो जी जीरो फेज में अभी न्यूली बॉर्न सेल है, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट नहीं हुआ है, तो सेल अभी कुछ टाइम पीरियड के लिए यहां पर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होती है। इन दिस वे सेल साइकिल इज कंप्लीटेड, यहां सेल का जन्म हो गया साइटोकाइनेसिस के बाद। अभी दोबारा समझ लें, ये न्यूली बॉर्न सेल है, सेल अभी जो है जन्म लेने के बाद मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, जीवन फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और जी टू फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होगा। अब जब प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, सेल जो है माइटोसिस, सेल डिवीजन के लिए तैयार हो गई। माइटोसिस के दो फेज मैंने आप लोगों को बता दिए, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में देखें क्या क्या आएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, दीज आर कम अंडर कैरियोकाइनेसिस, और लास्ट साइटोकाइनेसिस, फिर दोबारा से ये सेल साइकिल चलेगी। ओके, तो हमने इसका सारा फंक्शन समझ लिया। तो सेल साइकिल जो है हमने तीन फेज में डिवाइड किया, देखें कौन कौन से हैं, जी जीरो फेज, इंटरफेज, और तीसरा फेज हो गया एम फेज। तो तीन फेज हो गए, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द सेल साइकिल। और जब सेल साइकिल बनाएंगे तो इसमें टाइम ड्यूरेशन होता है, जीवन फेज से थोड़ा सा जी टू फेज बड़ा दिखाएंगे और एस फेज सबसे बड़ा दिखाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो मार्स विल बी डिडक्टेड बिकॉज ऑफ इट इज कंप्लीटिंग इन कितने टाइम में, 24 आवर्स, 24 घंटे में ये पूरी हो रही है। ओके, थैंक यू फॉर सीइंग माई वीडियो।
and complete your work.